कह सकते हैं माँ की दुआ का असर था। घर वाले परिवार वाले जो भी पूजा करते रहते हैं उसी की पूजा का असर है जो आज आप लोगों से सुरक्षित बात कर पा रहे हैं। कितना बड़ा हादसा हो गया होता, गाड़ी के तो फरकच्चे उड़ गए होते, गाड़ी तो छोड़िए जी जान की हानि हो गई होती। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं जी मार्केट, आज क्रियांश के लिए कुछ खरीदारी करनी है। बात क्या है, उसका जो मॉस्किटो नेट था वह जो है टूट चुका है और दूसरे मॉस्किटो नेट की सख्त जरूरत है क्योंकि हमारी घर के आसपास मच्छर जमकर है और मच्छर से क्या हाल होता है क्रियांश को एकदम देख रहे थे, चेहरा पर दाना 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 पूरा एकदम भर गया है वो। चलते हैं और उसके अलावा कुछ और भी लेना होगा तो लेंगे। 20 मिनट्स लेटर अभी हम लोग आ गए मॉल वी मार्ट, तो अभी बाबू के लिए मच्छरदानी लेना है क्योंकि मच्छर तो बहुत ज्यादा होता है। देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं तो फिर दूसरे शॉप में देखेंगे। जी आई थी मच्छरदानी लेने के लिए, यहाँ पर कपड़े देखने लगे, देख रहे हैं कि कुछ पसंद आ जाए तो ले लेंगे। बच्चा के लिए तो कम में पड़ जाता है, और पहली बात उसका पहला ठंडा है। अच्छा, ज्यादा है नहीं उसके पास। मच्छरदानी तो जी हमें मिला नहीं, और जो मिला तो इस तरह का ज्वाइंट आएगा बेड के साथ, बहुत सारा 3-4 को है। लेकिन अंबर जो है टिकेगा नहीं क्योंकि वो पलटता रहता है, अब पक्का आ जाएगा, हम देख के बता रहे हैं। लेकिन वो छोटा भी हो जाएगा जल्दी, पहला ठंडा है वो भी है। अपने फोन से ही कर देंगे। A few moments later. तो मिला ही नहीं, चलते हैं। बुआ का एक ड्रेस पसंद आया, वैसे डेली वेयर के लिए हमने लिया है। अब चलते हैं दूसरे मार्केट, देखते हैं वहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन देखेंगे। हम आ गए इस बाजार में और बाबू के लिए मच्छरदानी तो पता नहीं है, लेकिन एक प्यारा सा शूज मिला है, बहुत ही प्यारा है, तो ये तो बड़ा वाला लगाते हैं, कंफर्टेबल रहता है वो लगाना, तो हम समझ रहे हैं बड़ा वाला भी आता है। ये हम छोटे बच्चे का भी ढूंढ रहे हैं, दो साल का बच्चा इसमें आराम से रहेगा, 2 साल का बच्चा रहेगा, लेकिन जो है वो खोल खाल तो नहीं लेगा। तो एक मॉस्किटो नेट जी हमें मिल गया है, एक पसंद आया है, बाकी कुछ फोल्डेबल भी था लेकिन वह थोड़ा सा लगा कि अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन यह सही लग रहा है। आप इसको ऐसे रख दिए, आपका जब फिर आपको काम पड़ेगा तो इसको ये पकड़ के इसको झाड़ना पड़ता है, ऐसे अगर झाड़ दीजिएगा ये फ्री हो गया ना, उसके बाद इसको खोलिएगा तो ऐसे हो कि आपका जाली कहीं नहीं फंसेगा ना, अगर जाली कहीं फंसा रहेगा खींचिएगा तो इसीलिए इसको खोलना पड़ता है अच्छा से। अभी बज रहे हैं जी रात के 9 और कुछ देर पहले ही मार्केट से आए हैं, क्रियांश का जो है मॉस्किटो नेट और क्रियांश का जो है कपड़ा वह सब खरीद करके आ चुका है, और अभी अभी जो है आकर के क्रियांश को भोजन करवाए। तो आया क्रियांश, तो क्रियांश अभी थोड़ा सीरियस है क्योंकि अभी जो है लगता है सोने के मूड में, कुछ देर पहले जो है अपने दादाजी के पास था वहाँ तबाही मचा करके ऊपर आया है, अब ऊपर तबाही मचा रहा है तो शायद अब इसको सोना है, तो अब इसको ऐसा करते हैं सुला ही देते हैं। सोएगा क्या क्रियांश, सोना है, सोना है क्रियांश, चलो नहीं करते हैं। गुड नाइट, बोल दो सबको राधे राधे, क्रियांश राधे राधे, राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय। The next day. क्रियांश को देख सकते हैं जी अभी तैयार हो गया है, बाहर जाने की कर रहा है तैयारी। जी अब इधर तैयार है तो हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक, डॉक्टर से दिखाने जा रहे हैं। अच्छा। और सर्दी खांसी हो गए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ईश्वर चाहेंगे तो हर चीज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम सोचे कि बीमार और शत्रु या दोनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, हमेशा अलर्ट जागे, पुरुष का विनाश नहीं होता। तो बिल्कुल, तो अब चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और देखते हैं, स्वर करे हमारा पोता आरोग्य हो जाए, साथ में सबका पोता आरोग्य हो जाए। निकलना था हमें 1 घंटा पहले ही, लेकिन तैयार करते और क्रियांश को खिलाते पिलाते थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं जी थोड़ा सा वहाँ इंतजार कर लेंगे। तो अभी हम लोग आ गए डॉक्टर के पास, तो क्रियांश अपने पापा के पास है, बाहर अपना वेट कर रहे हैं, हमारा कब नंबर आएगा, क्रियांश है अपने में मगन है, बात तक नहीं कर रहा, इतना शांत है, देख क्या हुआ ये, मतलब नए जगह पे आया ना तो पूरा देख रहा है कि कहाँ आए, कैसा व्यू है यहाँ का, पूरे रास्ते पर देख के आया, एक बार भी किसी से बात नहीं किया। ये 3.5 ml 2 बार ठीक है, 2 बूंद करके नाक में देना है, 4 बार कफ सर्दी सबके लिए, क्या नाक सब जाम के लिए। डॉक्टर के यहाँ से हम लोग दिखा करके आ गए हैं और सोच रहे थे कि इसको तो थोड़ा सा भाप दिलवा दे रास्ते में, लेकिन ये इतना तबाही मचाया कि सोचे पहले इसको घर ले चलो, खाना पीना खिलाओ, फिर उसके बाद लेकर के चलते हैं। घर आने बाद लगता है कि तबाही मचाया लगता है कितना इंसान है इसलिए, लेकिन धूप में ही ले जाना, धूप में ही ले जाना, एक गला का तो हम खोल के रख दिए हैं और दूसरा इसको जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक टेंशन, कान वाला भी घिसता है।
The next day. अभी बज रहे जी सुबह के 9:30 और क्रियांश जो है उसका भोजन हो चुका है और फिलहाल जो है वह सोने की तैयारी में है और हम चल रहे हैं सलून। सलून जाकर के थोड़ा सा जो है अपना सेव करवा लेते हैं और उसके बाद जो है आज हम लोगों को निकलना है किसी एक खास जगह। हम लोगों मतलब जी मैं और पापा, तो मैं और पापा निकल रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज है उन्हीं के बेटे का रिसेप्शन है तो उसी में हम लोग जा रहे हैं और साथ में जो भी पापा के कलीग हैं सीनियर हैं वो सब भी चलेंगे। जल्दी से चलते हैं, उसके लिए जाकर के थोड़ा सा अपना तैयार हो जाते हैं और फिर जो है गाड़ी जहाँ पार्क में लगी हुई है वहाँ से लाते हैं। और क्रियांश को यहाँ सुलाने की तैयारी चल रही है कि क्रियांश सो जाए क्योंकि एक दो बार जो है काफी लिया हुआ है और लक्षण है नींद का, लेकिन जैसे ही झूला में आया है इसको खेलने की सोच रही है फिर ही कोई काम हो पाएगा ना। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, ये देखिए पैर तो चला रहा है। कोई बात नहीं क्रियांश, सो जा मजे में, सो जाओ आराम से, सो जाओ झूलते हुए सो जाओ। तो हमने सेव करवा लिया जी, सेव करके आ गए घर, नहा धो करके खाना खा करके एकदम हो गए हैं तैयार और उधर पापा भी तैयार हैं तो अब निकलने की तैयारी करते हैं। ठीक है दीदी निकल रहे हैं फिर। ठीक है निकलो, यात्रा मंगलमय हो। हाँ। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि डैडी के वकालत खाना के गुरु बिंदेश्वरी बाबू भी इनके साथ जा रहे हैं। हाँ। रिश्ते में इनके गुरु लगते हैं, उससे मेरे पिता तुल्य हैं और तुम्हारे बाबा भी हैं। अच्छा। भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसे तुम लोग खुशी खुशी जा रहे हो उसी तरह द्वार भी लग जाएगा और ऐसा होगा ही क्योंकि हमको लगता है कि ईश्वर निगेटिव नहीं करते हैं अच्छे लोगों के साथ। क्रियांश को लग रहा है कि हम भी जाएंगे इसलिए इतनी खुशी है इसको। हाँ। इस बात के सिवा नहीं है, सबको देख रहा है पैकिंग करते हुए, खास करके अपने बाबा को जो कोट पेंट में देखता है ना तो समझता है कि दुनिया की हर खुशी मेरे सामने। आज छोर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये खुशी बरकरार रहे, प्रभु बिना मांगे आपने दिया है, रखना भी आपके ही चरण में जिम्मेदारी। तीन गो टीक है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो पीछे, तीन टीक है नहीं माँ इसको। इतनी खुशी हमको भगवान बिना मांगे दिए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बिना हमसे कुछ कहे ही उस जिम्मेदारी को प्रभु निभाए। मेरा आदेश नहीं आपके चरण में रिक्वेस्ट है और दुनिया के लिए भी हम मांगते हैं आपसे हर समय यही मांगते हैं। तो घर से तो बाहर निकल गए जी, पापा लोग आ चुके हैं और साथ में जो है हमारे बाबा जो कि पापा के सीनियर है बिंदेश्वरी बाबा हम लोग उनको बोलते हैं तो वो लोग आ रहे हैं। चलिए आइए आइए। तो हमारे बाबा जी आ चुके हैं, पीछे बैठ गए हैं और बस इंतजार है सभी के आने का और निकलेंगे यहाँ से। पापा बैठ गए। कटिहार से जी सभी लोग निकल चुके हैं और रुक गए हम लोग बेगूसराय में, यहाँ पर लिट्टी। पहुंच गए जी जज साहब के आवास और जज साहब से भी मुलाकात हुई, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया और साथ में उनके बेटे से भी मुलाकात हुई, उनको नए जीवन की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं और पापा सब उधर साइड में बैठे हुए हैं खा रहे हैं। ये समस्तीपुर से तो हम लोग निकल गए, पार्टी अटेंड कर लिया और उसके बाद जो है सभी को घर छोड़ रहे हैं। तो हमारे जो बाबा हैं जो कि पापा के सीनियर हैं वो भी जा रहे हैं यहाँ। ठीक है बाबा निकलते हैं, एक बार कुछ कहना चाहेंगे जज साहब के बारे में। हाँ ये बटेश्वरनाथ पांडे जी कटिहार में थे, उनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही सराहनीय और एक जज के नाते बहुत संवेदनशील, बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति में से थे। और आज हम लोग जो गए समस्तीपुर उनके बेटे के तिलक के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा से, जबकि उनकी मिसेस बीमार है फिर भी उनका जो देखे हम लोग को रिसीव करना और गेट के बाहर तक गाड़ी में बैठाने बहुत आग्रह किए रुकने के लिए, लेकिन हम लोग खुद हड़बड़ में थे, कचहरी भी देखना था कल तो इसलिए आए, लेकिन इसके लिए भाई हम लोग तो बहुत ही कायल हैं उनके व्यवहार से, बहुत खुश हैं। भगवान उनको सुखी रखे और उनके बच्चे की शादी का जो है 27 तारीख को 17 माँ भगवती कृपा बनाए रखे सम्पन्न हो जाए। The next day. अभी बज रहे हैं 3:30 और हम आ गए हैं छत पर तसल्ली से। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने के लिए आपने YouTube के टाइटल पर देख लिया होगा कि क्या टॉपिक है। जी हाँ, कह सकते हैं माँ की दुआ का असर था, घर वाले परिवार वाले जो भी पूजा करते रहते हैं उसी की पूजा का असर है जो आज आप लोगों से सुरक्षित बात कर पा रहे हैं, जिंदा रहते हुए बात कर पा रहे हैं। ऐसी घटना घटी है कल की पूछिए मत, मतलब हमारे तो होश उड़ गए थे जब उस समय ऐसा कुछ हुआ था। जी हाँ बात है जी पिछले दिन की, आपने देखा होगा वीडियो में कुछ देर पहले हम लोग एक शादी के समारोह में गए हुए थे और शादी अटेंड करके जो है हम लोग
लोग लौट रहे थे कटिहार। हम लोग तो ऐसे सोचे थे कि चलिए वहीं पर रुक जाते हैं, रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें जो है ड्राइव करना पड़ा क्योंकि सभी को जो है नेक्स्ट डे कोर ज्वाइन करना था, पापा को भी ज्वाइन करना था, पापा के जितने कलीग थे उनको ज्वाइन करना था। तो हम लोग जो है वहां से निकल पड़े। फिर जब निकले तो सब कुछ सही चल रहा था, मजे में आ रहे थे, बस एक डेढ़ घंटे में जो है कटिहार पहुंच जाते। बीच में ही घट गई है कुछ ऐसी घटना की भुला नहीं सकते हैं उसको कभी। जगह था कुर्सेला और हम जो है आराम से जा रहे थे, नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे हम। क्या हुआ था कि बाएं साइड एक गाड़ी खड़ी थी बिना पार्किंग लाइट के, और जी वह गाड़ी थी ट्रक। तो ट्रक जैसी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हुई है और बिना पार्किंग लाइट के, तो जी इसी वजह से जो है मुझे पता नहीं चल पाया कि आगे जो है गाड़ी खड़ी है। लेकिन जब नजदीक आए हम तब हमें दिख गया कि एक गाड़ी खड़ी है। तो हम जो है अपनी गाड़ी को जो है थोड़ा सा टर्न ले लिए राइट साइड, और जैसे ही राइट साइड टर्न लिए एक ट्रक जो है आगे से लगभग समझ जाइए 100-120 का रफ्तार रहा होगा उसका निश्चित, बहुत तेजी से गुजर गई। भगवान की कृपा कही है कि मेरा दिमाग जो है उस समय संतुलन में था, हम गाड़ी को ना ज्यादा लेफ्ट काटे और ना ज्यादा राइट काटे। अगर हम राइट काटते तो जो ट्रक जा रही थी साइड से वो ट्रक तो गाड़ी को उड़ाते हुए चल जाती आराम से, और अगर हम लेफ्ट काटते तो जो खड़ी गाड़ी थी वहाँ ट्रक, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी लग जाती। हम गाड़ी को बस सीधा रखे, बस उसमें इतना सा नुकसान आया कि जो लेफ्ट साइड का लुकिंग मिरर है वहाँ डैमेज हो गया पूरी तरीके से, लेकिन गाड़ी में कोई भी क्षति नहीं आई। भगवान की दया थी कि मेरा दिमाग जो उसमें संतुलन में था, और बाय चांस मान लीजिए अगर संतुलन बिगड़ गया होता, गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट काट दी होती या गाड़ी को राइट काट दी होती है, कितना बड़ा हादसा हो गया होता। गाड़ी के तो फरकच्चे उड़ गए होते, गाड़ी तो छोड़िए जी जान की हानि हो गई होती। पीछे जो पापा बैठे हुए थे, जितने भी पापा के कलीग बैठे हुए थे, सीनियर बैठे हुए थे, क्या कहे जी, उस समय तो हमारे होश उड़ गए थे। हम और पप्पू अंकल जो है यही चर्चा कर रहे थे कि बाय चांस अगर हमारा संतुलन बिगड़ गया होता तो उस समय क्या हो गया होता। बस हम लोग जो है कह सकते हैं कि मौत के मुंह से जो है बच करके आए हुए हैं। जब ऐसा सीन हुआ था उस समय तो मेरे दिमाग पर उतना ज्यादा असर नहीं किया था, हम तो नॉर्मली गाड़ी चला करके चल रहे थे। लेकिन फिर जब एक जगह हम लोग रुके कि थोड़ा सा जो है वहाँ पर चाय पीते हैं, और उसके बाद जो हमने गाड़ी का जो शीशा देखा भाई साहब, उसके बाद से तो मेरा दिमाग सही बात कहे काम करना जो है बंद कर दिया था। और उस हालत में जो है कैसे कैसे गाड़ी चला करके घर लाए, और जब घर आए तो उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, लग रहा था कि भाई साहब क्या हो गया होता आज। तो चलिए जी कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया थी, भगवान का आशीर्वाद बना हुआ था जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और मान लिया जी पूजा पाठ में तो असर होता है, माँ हमेशा पूजा पाठ करती रहती है, पत्नी हमेशा पूजा पाठ करती रहती है, और घर में जितने भी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, और हमें भी भगवान पर बहुत आस्था है। इसकी वजह से जो है लग रहा है आज जो दुर्घटना घटने वाली थी उससे हम लोग बच गए। तो कोई बात नहीं जी, अभी अच्छे हैं, मस्त है, और फिर आगे ही ऐसे चलते रहेंगे। और इस घटना से सीख मिली है कि रात में कभी भी ड्राइव नहीं करना है, जो कि हम कभी नहीं करने वाले हैं। अब तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीख मिली होगी मेरी इस घटना से। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।